एवरीवन hey कैसे आप सब ये होंगे गाइस एम आई न्यूज के कौन एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट हाइपरोस के अपडेट्स के बारे में हाइपरोस 2.0 को ऑफिशियली रिलीज किया गया है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है सामने नए गेम टर्ब हुए है इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बट अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस के लिए रिलीज किए गए हैं नए हाइपर है ओव्स के अपडेट्स तो यहाँ पे रेडमी Note 12 Pro 5G के लिए हाइपर का 1.0.5.0 का ऑफिशियल इंडियन स्टेबल अपडेट को पब्लिक रोल आउट कर दिया गया है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो नहीं प्रोवाइड की गई क्योंकि इसका जो अपडेट है वो सिर्फ पंद्रह एम का था जो कि बेसिक सिक्योरिटी पैच अपडेट है उस पर कुछ भी खास आपको देखने को नहीं मिला है दैट्स पाई मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं की थी उसी के साथ शावी फोर्टीन के लिए रोल आउट किया गया है ग्लोबल में आईपर्रोज का वन पॉइंट का ऑफिशियल ग्लोबल स्टेबल अपडेट जिसकी रिकवरी रोम अवेलेबल हो चुकी है उसी के साथ Redmi Note ट्वेल्व 5G के लिए भी गायज़ रोल आउट किया गया है रोज का 1.0.4.0 का अपडेट वो भी गायस ऑफिशियल रिकवरी रोम के साथ उसी के साथ Redmi 12 5G और Poco M6 Pro 5G के लिए भी गायस रोल आउट किया गया, गया था हाल ही में हाइपर्रोज कािक्स पॉइंट जीरो के ऑफिशियल इंडियन स्टेबल अपडेट तो इसके भी गायस पब्लिक लिंक्स अवेलेबल हो चुके हैं उसी के साथ Redmi के एफ्टी के लिए गायस पब्लिकली रोल आउट कर दिया गया है हाईपर्रोज का 1.0.3.0 का ऑफिशियल इंडियन स्टेबल अपडेट तो और इसके भी गायज पब्लिक लिंक्स अवेलेबल हो चुके हैं उसी के साथ एम आई इलेवन के लिए भी गायज पब्लिकली रिलीज कर दिया गया उनका हाईपर का वन पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो का ऑफिशियल इंडियन स्टेबल अपडेट Redmi Note 13 Pro Plus 5G के लिए हाल ही में पायलट टेस्टर्स को देखने को मिला है हाईपरव का वन पॉइंट का अपडेट जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा दी है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स चेंजेस देखने को मिले हैं वो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ बल फिक्सेस देखने को मिले हैं ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिली है उसी के साथ Redmi Note ट्वेल्व Pro ट्व Pro Plus के लिए गैस पब्लिकली रिलीज़ कर दिया गया है हाईपरव का 1.0.5.0 का अपडेट और इसके भी गैस पब्लिक लिंक्स अवेलेबल हो चुके हैं जो कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हो उसी के साथ पोको एम फोर प्रो फाइव जी के लिए भी गैस रोल आउट किया गया है वन पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो का अपडेट जिसका साइज ढाई सौ एम बी का है और इसमें भी गैस आपको जुलाई का सिक्योरिटी बेस देखने को मिल रहा है जो कि काफी तक पुराना अपडेट है बट मुझे लगा था कि ये आपको नया अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे बट ऐसा कोई भी अपडेट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो इन सभी अपडेट्स के लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग सिंपली नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग सिंपली पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते

जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको बता दू कि काफी हद तक प्रीमियमनेस प्रीमियमनेस्रीज करते हैं काफी हद तक आपको हाइपोर 2.0 के साथ देखने को मिलने वाले हैं जिसकी पे कर दी गई है मैं आपको आगे बताऊंगा बट ये डिवाइसेस ऑफिशियली ऑफिसियली पे अनाउंस कर दिए गए हैं उसके बाद बात करते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज के बारे में तो यहाँ पे गायस हाइपोरस टू के ऑफिशियल बिल्ड डिस्कलोज कर दिए गए हैं जो कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो शाउमी हाइपोरस टू पॉइंट स्टेबल बिल लीक हो चुके हैं रिलीज डेट आ चुकी है सामने जिसमें आपको देखने को मिलता है कि शामी फोर्टीन जिसका ऑफिशियल वर्जन टू पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट ट्वेल्व है बट इसमें जो कोड है वो आपको चाइना का देखने को मिल रहा है तो शामी फोर्टीन के लिए इसकी टेस्टिंग काफी अच्छे से चल रही है उसी के साथ शॉमी फोर्टीन प्रो की बात करें तो हाईपरस का टू पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट इलेवन देखने को मिल रहा है सी एन वर्जन है इसकी भी टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है शावी पैट सिक्स एक्स की बात करें तो इसका वर्जन है टू पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट ट्वेंटी थ्री इसकी भी गैस टेस्टिंग यहां पे चल रही है जो कि आपको देखने को मिलती है नो अक्टूबर को लॉन्च कर दिया जाएगा जो कि आप सभी को पता है कि अभी आने में थोड़ा सा वक्त है बट स्टिल वो आ जाएगा और 10 अक्टूबर को आपको देखने को मिल सकता है Redmi के 60 अल्ट्रा जिसके लिए आउट किया जाएगा हाइपर्रोज का 2.0.17.0, जो कि चाइनीज वर्जन है जिससे एक और चीज क्लियर हो जाती है इनकी रिलीज डेट मतलब 9 और 10 अक्टूबर तक आपको हाइपर टू पॉइंट चाइना में ऑफिशियली लॉन्च होता हुआ दिख सकता है जो कि काफी अच्छी चीज है जिसके कुछ की फीचर्स भी हैं आपको ए इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी सेटिंग मेन्यू को इम्प्रूव किया जाएगा गेम टर्बो का नया डिजाइन जो कि ऑफिशियली एंड दे दिया गया है मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा उसके बाद स्मूदर एनिमेशन ये चीजों को हाईलाइट किया गया है और इसको अभी अंडरगो प्रोसेस में चल रहा है टेस्टिंग चल रही है क्योंकि इसके बिल्ड रिलीज हुए हैं जिस वजह से यहाँ पे ये सारे फीचर्स को अंडर गो टेस्टिंग में लिया जा रहा है तो जैसे इसके ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो गाइज नया गेम टर्बो अनाउंस कर दिया गया है जी गाइज यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो शाहर अंप्लीटली न्यू इंटरफेस फॉर गेम टर्बो जो कि अभी आपको देखने को मिलता है एप्रोस टू पॉइंट ओ में यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट किया गया नया इंटरफेस यूजर इंटरफेस को नई तरह से चेंज किया जाएगा आपको नई कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी परफॉर्मेंस फीचर्स को इम्प्रूव किया जाएगा इंटीग्रेट गेमिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेगी ए आई ड्रीवन अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेगी जिसके लू की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो कि काफ़ी तक पुरानी है उसी के साथ इसको अपडेट कैसे कर सकते हो आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करना पड़ेगा जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपडेट में ब्रेक द एप्लीकेशन तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है तो अभी मैं रिकमेंड करूंगा किसका स्टेबल वर्जन आने दो देन आप लोग ट्राई करना बट आपको कंफर्म हाइपोरोज का नया गेम टर्बो देखने को मिलने वाला है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना क्योंकि आपको अपकमिंग डेज में भी गायस यहाँ पे गेम टर्बो के ऊपर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी और ये फीचर्स काफी लिमिटेड डिवाइस ही वर्क करेंगे ये चेंजेस आपको काफी लिमिटेड डिवाइस में ही देखने को मिलेंगे उसके बाद गायस बात करते हैं यहाँ पर हाइपरस की वीकली बग रिपोर्ट के बारे में तो इस बार की लेटेस्ट बग रिपोर्ट आ चुकी है सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम वन सिक्सटी फोर जिसपे आपको देखने को मिलता है हाइपरस वीकली बग रिपोर्ट जहाँ पे आपको फ्रेम ड्रॉप इशूज देखने को मिल रहे हैं फिक्सेस देखने को मिल रहे हैं ऐसे इशूज है जहाँ पे देखने को मिलता है कि एम आई लोग स्टक कर जाता है डिवाइस ऑन नहीं हो पा रहा Xiaomi फोर्टीन अल्ट्रा में और Xiaomi थर्टीन अल्ट्रा में जिसके अफेक्टेड वर्जन है हाइप्रोज़ का वन पॉइंट जीरो पॉइंट ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो और 11.0 पॉइंट जीरो उसी के साथ क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि फ्रेम ड्रॉप हो रही है वीडियो लेते टाइम पोको एक्स सिक्स फाइव जी में और रेडमी नोट थर्टीन प्रो फाइव जी में ये तो मैंने भी आपको बताया था ये इशूज़ आ रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलता है हाईपरव वन पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन पॉइंट जीरो वे वर्जन में और इसका अभी इशू आइडेंटिफाई नहीं किया गया इशू के आइडेंटिफाई करना गाइज़ मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है यही रीज़न है इनको परफॉर्मेंस ड्रॉप मतलब पुराना अपडेट वापस लाना चाहिए बेटर इंप्रूवमेंट के साथ उसी के साथ यहाँ पे इशू जो कम अपडेट्स में, में फ़िक्स होने वाले हैं वो देखने को मिलते हैं आपको चार्जिंग के इशूज रहे थे शाउमी फोर्टिन अल्ट्रा में उसको फिक्स कर दिया गया है ओपन नहीं हो पा रही थी वीडियो शॉमी थर्टीन टी में उसको फिक्स कर दिया गया है थर्ड पार्टी एप वर्क नहीं कर रही थी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था रेडमी पैड प्रो फाइव जी में उसको भी गैस फिक्स कर दिया गया है सो तो आज के लिए गैस बस यही न्यूज थी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज के साथ तब तक के लिए जय हिंद